बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग सिखाऊंगी। और ये देखें, ट्राउज़र की कटिंग के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये मेरे पास सीज़र है, ये सीधा स्केल है, और ये शेप पट्टी के बगैर ट्राउज़र की कटिंग नहीं हो सकती, इसकी अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। और मेरे पास जो ट्राउज़र का साइज़ है, ये 38 इंच इसकी लेंथ है। इसके 5 में डिज़ाइनिंग करूँगी तो 5 इंच इसमें से माइनस कर दूँगी। और इसकी ये देखें, लेंथ का सबसे पहले लेंथ का निशान लगाऊंगी, और ऊपर मैंने अलग से बेल्ट लगाना है, तो 1 इंच टेप को बाहर निकाल के रखेंगे, और यहाँ 35 पे निशान लगाएंगे, 1 इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे। ये देखें 35 पे। अब इस लाइन को सीधा करेंगे। अब मैं का निशान लगाना है। आसन के निशान के लिए मेरे पास हिप का साइज 42 है, और 42 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 10.5 आएगा, और उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो ये 12 इंच आएगा। इसके आसन का निशान मैं 12 इंच पे लगाऊंगी। अब इस लाइन को सीधा करेंगे। अब ये यहाँ से एक राउंड शेप लगाएंगे। अब मेरे पास थाइस का जो साइज है वो 28 है, और 28 का हाफ 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये जो मैंने निशान लगाया, यहाँ से 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इसका सेंटर करेंगे तो ये 7 इंच हो जाएगा। और ये देखें, यहाँ से ये कन्नी के साथ मिला के ये तकरीबन ये 7.5 इंच आ रहा है, तो ये ऊपर से लेके नीचे तक ये निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 7.5 इंच पे निशान लगाया, और यहाँ से भी 7.5 पे निशान लगाया। अब इस लाइन को सीधा करेंगे, और ये क्रीज का निशान होगा। आप कमर का निशान लगाएंगे। मेरे पास जो कमर का साइज है मेरे पास कमर का साइज 36 इंच है, और इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा, और ये 9 इंच पे निशान लगाएंगे, और बीच में जो है इसमें प्लेटें डालेंगे तो ये 1.5 इंच ये हो गया, और 1 इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे तो टोटल ये 11.5 इंच पे आ गया। अब ये देखें, ये आसन का निशान लगाएंगे तो ये 1.5 इंच पे यहाँ पे अंदर की साइड पर निशान लगाएंगे, और इस लाइन को इसके साथ मिला लेंगे, ये हल्का सा क्रॉस में ही आएगा, और यहाँ से राउंड शेप देंगे। अब ये देखें, यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे, पौने इंच पे इस साइड पे निशान आएगा, और 1.5 इंच इस साइड पे आएगा, और ये तकरीबन 4.5 या 5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्लेट। अब 5 का निशान लगाएंगे। मेरे पास जो 5 का साइज़ है, 5 का निशान लगाएंगे। मेरे पास जो 5 का साइज़ है 3.5 इंच है, 7 इंच है, तो 3.5 इंच इस साइड पे निशान लगाएंगे, और 3.5 इंच इस साइड पे निशान लगाएंगे। अब ये देखें, यहाँ से ये शेप पट्टी से निशान लगाएंगे, और यहाँ से तकरीबन ये 1 इंच नीचे रख के निशान लगाएंगे। अब इसकी फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये
जी बिल्कुल निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। अब ये मैं बैक साइड की कटिंग करूंगी। बैक साइड के लिए यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा के रखेंगे, यहाँ से भी 1.5 इंच रखेंगे, ये पांचे से भी 1.5 इंच रखेंगे और ये शेप पट्टी से निशान लगाएंगे। अब ये सीधे स्केल से निशान लगाएंगे, इसको भी ऐसे ही राउंड शेप में कटिंग करेंगे। अब ये बैक साइड के लिए 2.5 इंच बढ़ा के रखेंगे, ये देखें, और इसको ये ऐसे क्रॉस में निशान लगाएंगे। कट सबसे पहले ये ऊपर से कटिंग करेंगे, अब ये देखें 1/2 इंच यहाँ से निशान से हटा के कटिंग करेंगे। वीवर ये देखें ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले फ्रंट का आसन ज्वाइंट करेंगे। फिर ये देखें मैंने आसन ज्वाइन कर लिया है। अब इसमें बेल्ट लगाऊंगी और ये बेल्ट के लिए मैंने एक लिया है बुकरम का पीस और ये तकरीबन 1/2 इंच चौड़ी, जैसे लास्टिक 1/2 इंच जितनी होगी उसी हिसाब से फ्रंट का बेल्ट भी लगाएंगे। फ्रंट पे ये पूरा बेल्ट आएगा और बैक पे ये लास्टिक आएगी। ये लास्टिक का साइज मेरे पास 1/2 इंच है और ये इसका भी 1/2 इंच लिया है। फ्रंट का जो है मेरे पास 18 इंच तैयार आ रहा है और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, इसके ऊपर मैंने प्रेस किया है। अब ये फ्रंट पे लगा के दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले एक बूट की सिलाई लगाएंगे। ट्राउजर की उल्टी साइड मैंने ली है और बेल्ट की सीधी साइड, और ट्राउज़र की उल्टी साइड होगी और बेल्ट की ये सीधी साइड, दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे और अब इसकी सिलाई करेंगे। अब ये अंदर की स्टिचिंग करने के बाद अब यहाँ से स्टिच करेंगे।
अब बैक साइड पे लास्टिक डालूंगी, तो मैं ये देखें बैक साइड मैंने ली है ट्राउजर की, और ये मैंने 4 इंच की पट्टी चौड़ी काटी है, और लंबाई जितनी ट्राउजर की बैक साइड है उसके हिसाब से मैंने ली है। अब सबसे पहले यहाँ से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेके इसकी सिलाई करेंगे, और इसमें से मैं अगर 4 इंच कम करूँगी 36 का 1/2 होगा, विवर्स कमर जो है ना टोटल 36 इंच है, इसका 1/2 करेंगे 18 इंच आएगा, और 18 में से 3 इंच माइनस करेंगे तो 15 इंच, बैक की लास्टिक जो है 15 इंच डालेंगे, तो यहाँ निशान लगाएंगे, इसको काटेंगे नहीं। अभी मशीन पे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ से साइड से पक्का करें, के साथ साथ सिलाई करें, अब ये देखें स्टिचिंग करने के बाद मैंने इस लास्टिक को खींच लिया है, और ये जहाँ पे निशान है यहाँ से बिल्कुल पक्का कर देंगे। साइड एज ज्वाइंट करेंगे, ट्राउज़र की साइड एज ज्वाइंट करेंगे, एक साइड से मैंने साइडें बंद कर ली हैं, अब दूसरी साइड से भी सेम प्रोसीजर से बंद करेंगे। व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने बेल्ट कंप्लीट कर लिया है, ये फ्रंट का भी देख लें बैक का भी देख लें। अब इसकी पांचे की डिज़ाइनिंग करूँगी, पांचे की डिज़ाइनिंग के लिए मैंने एक बुकरम का पीस लिया है, और ये देखें ये मैंने 1/2 इंच पर ये निशान लगा लिए हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे, ये मैंने एक और रेब कपड़ा लिया है, इसके ऊपर मैं ये जो बुकरम काटी है ये भी और रेब में ही काटी है, और इस कपड़े के ऊपर रख के अब मैं इसको प्रेस करूँगी। अब ये देखें इसके ऊपर मैंने प्रेस कर लिया है, इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ से तकरीबन 1/2 इंच का गैप छोड़ना है, या 3 पॉइंट छोड़ते हैं हम, ऐसे ही सारी पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। ये देखें इसकी मैंने कटिंग कर ली है, अब इसके ऊपर मैं ग्लू स्टिक लगा के इसको फोल्ड करूँगी। देखें साइड से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, अब सेम प्रोसीजर से सारी पट्टियों को ऐसे ही फोल्ड करने के बाद अब इसको सेंटर से भी फोल्ड कर लिया, और इस पे सिलाई लगाएंगे।
ऐसे ही सारी पट्टियों को स्टिच कर लेंगे। अब ये देखें, ये दो पट्टियाँ हैं और ये जो सिलाई वाली साइड है ये अंदर की तरफ आएगी। इन दोनों को एक साथ मिला के रखेंगे और यहाँ से क्रॉस में इसकी स्टिचिंग करें। व्यूवर्स देखें, आप इस तरह का एक पैटर्न बना लेंगे और इसके ऊपर रख के प्रेस करेंगे। ऐसे प्रेस करते जाएंगे। और ये रिब पट्टी ली थी इसलिए ये आराम से घूम जाएगी। अगर आप सीधे कपड़े में बनाएंगे तो कभी भी नहीं घूमेगी। अब ये देखें, और ये गरम है, अभी थोड़ी देर इसको दबा के रखें ताकि ये अपनी जगह पे बैठ जाए। ये देखें आप, ये देखें इस तरह की मैंने बहुत सारे ये बना लिए हैं पैटर्न। और अब इसको एक पेपर काटूंगी तकरीबन 4.5। विवर ये देखें, ये मैंने 4.5 इंच का पेपर लिया है और इसके ऊपर ये मैंने ये जो पैटर्न बनाए थे इसके ऊपर रखे हैं। अब इसकी स्टिचिंग करूंगी और इनके नीचे जो है मैं ये ब्लैक कलर का टिश्यू लगाऊंगी। अभी मशीन पे चल के दिखाती हूँ आपको। व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने इसका सेंटर कर लिया है और सेंटर में इसका ये सेंटर के साथ इसको मिलाया, ये जो सेंटर इसका आ रहा है पेपर के साथ। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब ये ट्राउज़र की सीधी साइड लेंगे। और इसके ऊपर रखेंगे। इसका भी सेंटर के साथ सेंटर में ला के फिर इसकी स्टिचिंग करेंगे। विवर ये देखें, ये जो है ये ट्राउज़र की भी सीधी साइड होगी और इसकी भी सीधी साइड, दोनों की सीधी साइड एक दूसरे को फेस करेगी। अब इसको पेपर को रिमूव करेंगे और इसके ऊपर टिश्यू लगाएंगे। ये देखें बिल्कुल इसके बराबर करेंगे और फिर उसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। मैं लेस लगाऊंगी, अगर आपने नहीं भी लगानी तो देखें ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। देखें ट्राउज़र की कंप्लीट लुक, इसके पांचों पर मैंने डिज़ाइनिंग की है और इसके नीचे मैंने टिश्यू लगाया है। और ये देखें इसके ऊपर ये डिज़ाइन कितना ज़्यादा उठ रहा है। आप जब भी ट्राउज़र की कटिंग करते हैं तो आपको जितनी भी पांचों की डिज़ाइनिंग करनी हो तो उस हिसाब से माइनस करके तो पांचे की कटिंग कर लें। और ये व्यूअर्स देखें, फ्रंट पे मैंने प्लेन बेल्ट लगाया है और बैक पे मैंने इलास्टिक लगाई है। अगर आपको स्टिच ट्राउज़र चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते। फ्रंट पे मैंने प्लेन बेल्ट लगाया है और बैक पे मैंने इलास्टिक लगाई है।
और ये देखें, ये इसका कंप्लीट लुक देखें, कितना प्यारा लग रहा है ट्राउज़र। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एंड तक वॉच करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेकर आऊँगी। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।